हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। तो चलिए बनाते हैं चिकन बिरयानी। सबसे पहले मैंने प्याज जो था उसको अच्छा से ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब इसे मैं निकाल लूँगी। फिर उसी कढ़ाई में मैंने प्याज, तेज़पत्ता, आलू को फ्राई कर लिया है। अब इसमें चिकन मिक्स करके चिकन को अच्छा से फ्राई करूँगी। उसमें जैसे चिकन बनाने के टाइम उसमें मसाला डालते हैं, पेस्ट, अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट, उसे डाल दूँगी। नमक हल्दी देके उसको अच्छा से फ्राई कर लूँगी। वो मैं इस वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी चिकन की रेसिपी का वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है। तो सेम उसी तरह से ही करना है। मैंने सारे मसालों को उसमें फ्राई कर लिया है चिकन के साथ में। इसमें एक टमाटर भी दे दिया है। अब इसे और अच्छा से थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। जब पूरे मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएंगे ना, तो फिर इसमें पानी में नहीं डालूँगी। अब पूरा अच्छे से चिकन को फ्राई करूँगी। उसके बाद यहाँ बगल में एक मैंने कुकर चढ़ाया हुआ है, तो फिर उस कुकर में इसको डालूँगी। अब बीच बीच में इसको अच्छा से चला के थोड़ा भून लेंगे चिकन को। जब चिकन पूरी अच्छी तरह से भुन जाएगा तो मसाला इसका सारा अच्छा से भुन जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए बगल में मैंने कुकर चढ़ाया है, उसमें तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची, वो मैंने डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने यहाँ पर फ्राई करके रखा हुआ है चिकन, उसको अब मैं थोड़ा थोड़ा करके कुकर में डालूँगी। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें कुकर में इसको डाल दूँगी। कुकर में इसमें डालूँगी। फिर उसके बाद इसके ऊपर मैंने चावल धो के रखा है। 2 गिलास चावल है मेरा बासमती राइस, इसको मैंने धो के रखा हुआ है। इसके लिए चावल को इसके ऊपर मैं एक लेयर जैसा दिखा दूँगी क्योंकि मैंने यहाँ पे चिकन इतना डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर में चावल उसका एक लेयर बिछा दूँगी। यहाँ पे ठीक से दिख नहीं रहा है, आज थोड़ा मौसम ठीक नहीं है तो लाइट इसी वजह से ठीक से आ नहीं रहा है। किचन में मैंने लाइट जलाई, फिर भी उसका रोशनी का बहुत ज़्यादा कमी है आज। तो फिर देखिए मैं यहाँ पे चावल जो है ना उसको एक लेयर जैसे इसमें बिछा दूँगी अच्छे से। जितने पूरे चावल जो है ना, पूरे चावल को नहीं दूँगी। अब मैं थोड़ा आधा चावल दूँगी, फिर आधा और एक बार इसी तरह से, फिर मैं और एक बार इसको रिपीट करूँगी दोबारा से। फिर अभी चावल यहाँ पे हो गया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा से हल्का से नमक इसमें ऐड कर लूँगी। फिर मटर है, मटर को भी धो के मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा मटर मैंने यहाँ पर दे दिया है। फिर अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी और थोड़ा से जो बिरयानी मसाला होता है ना वो ऊपर से डाल दूँगी। मैंने यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि चिकन में भी मैंने नमक दिया है तो इसमें बस चावल के हिसाब से ही थोड़ा सा मैं ऊपर से नमक दूँगी। और फिर गरम ये क्या बिरयानी मसाला, हाँ बिरयानी मसाला, और फिर जो मैंने प्याज को फ्राई करके रखा था ना उसको मैं ऊपर से दे दूँगी। फिर अब मैं यहाँ पे ना 1 गिलास और आधा पानी ऐड करूँगी क्योंकि मेरा 2 गिलास चावल है, तो 2 गिलास में 3 गिलास मेरे को पानी डालना है। तो अभी मैं यहाँ पे 1 गिलास और आधा पानी डाल रही हूँ। फिर दोबारा से फिर इसके ऊपर में मैं चिकन डालूँगी, फिर चावल का लेयर बिछाऊँगी, तो फिर उसके बाद फिर और मैं 1 गिलास और आधा पानी इसमें ऐड करूँगी। अब मैंने पानी यहाँ पे दे दिया। फिर अब इसके ऊपर मैं और एक बार चिकन का लेयर इसमें बिछाऊंगी। इसमें और एक बार चिकन डाल दिया मैंने, फिर इसके बाद चावल का लेयर बिछाऊंगी। फिर उसी तरह से उसमें हल्का सा थोड़ा सा नमक और जो मैंने फ्राई किया हुआ है ऑनियन, वो ऑनियन को डाल दूंगी और थोड़ा से बिरयानी मसाला, तो सबको डालकर इसमें अच्छे से जो बचा हुआ चावल था ना वो सब मैं यहाँ पर डाल दूँगी। मेरे पास ना धनिया नहीं था तो मैंने क्या किया, कस्तूरी मेथी से ही काम चला लिया। फिर मैंने कस्तूरी मेथी दे दिया। फिर जो और 1 गिलास और आधा फिर मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। फिर इसको हो गया। अब इसमें
कुकर का ढक्कन लगा के फिर मैं इसको बंद कर दूँगी और हाई फ्लेम पर मुझे दो सीटी इसको लगाना है। दो सीटी लग जाएंगे ना तो उसके बाद मैं गैस ऑफ कर दूँगी। ये देखिए मेरा बिरयानी बनकर रेडी हो गया है। तो अब मैं इसे ना एक कोई बड़ा बर्तन में निकाल देती हूँ। देखिए बिरयानी बनकर रेडी हो गया है। तो फिर ये बिरयानी कैसा आपको लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसे आप घर में ट्राई करके देखिएगा कैसे बन रहा है। अब मैं इसे सर्व करूँगी। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बिरयानी लिया है, फिर थोड़ा चिकन मैंने बना लिया था अलग से, चिकन पापड़ और बैंगन का भुजिया है और चटनी है। थैंक यू।